नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सर मतलब घाव हो जाना, जख्म हो जाना या सूजन हो जाना। कोलन मतलब आंत और आइटिस मतलब सूजन, यानी कि बड़ी आंत में सूजन हो जाना, घाव हो जाना या उसमें जख्म हो जाना, इसी को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिसको भी ये दिक्कत होती है, देखा जाता है कि इसमें छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, जो इंटेस्टाइन है और वो भी लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें घाव हो जाते हैं। और जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, जब ये मोशन पास करने जाते हैं तो देखा जाता है कि इनको मोशन में ब्लड आता है, और देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि ब्लड आ रहा है, क्योंकि वो मोशन के साथ आता है, मोशन से लिपटा हुआ होता है। वो टेस्ट कराने से पता चलता है कि आपको मोशन में ब्लड आ रहा है। जिनको भी दोस्तों ये दिक्कत होती है, उनको डायरिया की दिक्कत हो सकती है, उनको पेट में मरोड़, ऐंठन, ब्लोटिंग, सीवियर पेन होता है, डायरिया हो सकता है। और जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है दोस्तों, उनको 8 बार 10 बार 15 बार तक दिन में मोशन जाना पड़ता है। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और ऐसे लोगों को एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी डिजीज होती है, ऐसे लोगों का निरंतर वेट रिड्यूस हो रहा है, कई लोगों का तो 10-15 किलो तक वजन भी कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, जरा सा काम करने पर व्यक्ति थक जाता है, एनीमिया हो जाता है, यानी कि ऐसे लोगों में खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि बार बार फीवर आना एक स्वाभाविक बात है। जिसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस हो रहा होता है, वीकनेस हो रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है, डिप्रेशन हो जाता है व्यक्ति को, और बार 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 फीवर आने की टेंडेंसी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी के लिए काफी लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहा होता है, तो उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। या जो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड खाया उन्होंने, बहुत ज्यादा हैवी प्रोटीन ली, यानी कि नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे, अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे, उसकी वजह से भी लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ऐसा निरंतर देखा जाता है। दोस्तों, अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, तो एक बड़ी बीमारी में इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि मेडिसिन से इसमें रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, लेकिन उसका इलाज नहीं मिल पाता। व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, चिंतित रहता है, काम करता है, काम में मन नहीं लगता, क्योंकि बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई है, तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का छोटा सा ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ गई है या उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे, अपने घर पर भी कर सकते हैं, तो आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेंगे, जितने कि आपको किसी दवाई से भी नहीं आए हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा है ऐसा जबरदस्त ट्रीटमेंट। दोस्तों, पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर या स्टूल पर बिठाना है, और यहां थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, और ऐसे ही दूसरी साइड लगाना है। अभी हमें इस नर्व पर अपने अंगूठे से प्रेशर देना है, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 times पहले हमें लेफ्ट साइड करना है, उसके बाद राइट साइड। अभी इस प्रकार करेंगे, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. पहले हमने लेफ्ट साइड किया, उसके बाद राइट साइड किया। दोस्तों, ध्यान से देखें एक बार, ये वाली जो नर्व आ रही है यहाँ पर, किसी की उभरी हुई नजर आती है, यहाँ पर हमें ये प्रेशर करना है, पहले लेफ्ट साइड 60 टाइम्स और राइट साइड 60 टाइम्स, उसके बाद पेशेंट को नीचे लिटाना है। पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लिटाना है, और हमें साइड में बैठना है। ये जो शोल्डर ब्लेड है, यहाँ पर हमें अपना हाथ इस प्रकार से रखना है, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के इधर की तरफ एक हाथ और दूसरा हाथ इस तरफ, और हमें इधर घिसना है, देखेंगे
1 2 3 4 5 6, फिर थोड़ा नीचे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये करने के बाद फिर हमें 30 सेकंड का गैप देना है, उसके बाद दोबारा उसी प्रकार से करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों अभी आपने देखा, आपने समझा क्या कारण है अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज होने के, क्या क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है। दोस्तों अभी आपने जाना और उसका ट्रीटमेंट भी सीखा। ये जो ट्रीटमेंट हम करते हैं न्यूरोथेरेपी चिकित्सा पद्धति के द्वारा करते हैं, इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो आपको इंटरनल दिक्कत आ गई है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, उसमें इन्फ्लामेशन आ गई है, उसमें स्वेलिंग हो गई है, उसमें जख्म हो गए हैं, घाव हो गए हैं, तो ये करने से उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी कोई समस्या रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत केवल जेंट्स में आती है, ये दिक्कत लेडीजों में भी आ सकती है, किसी भी एज के व्यक्ति को आ सकती है। और ये आती उन लोगों को है जिनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहता, जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तली भुनी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, मैदा वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, डिब्बा पैक भोजन ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों में ये समस्या होती है। जिनको भी ये दिक्कत हुई है, सबसे पहले उनको अपने खान पीन में बदलाव लाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, मिर्च मसाला कम करना है, तला भुना नहीं खाना है, अगर ड्रिंक करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। और साथ में आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो कुछ ही दिन में पूरी तरह ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे।